नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल को पूरा होने के जश्न पर गरमाई राजनीति। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि दो साल का कार्यकाल बेहतरीन रहा, तो वहीं कांग्रेसी नेता बता रहे हैं इसको बेकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा के मंत्री मोहिंदर सिंह और सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा मंडी रैली में की गई बयानबाजी भाजपा की सांप्रदायिक सोच को दर्शाती है, कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने। जीएसटी स्लैब को लेकर शहर के दुकानदार हैं गुस्से में। आबकारी विभाग पर लगाया आरोप, बेवजह दुकानदारों पर डाली जा रही है पेनल्टी। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल सिलासी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया धूमधाम से। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली डीएवी डीएमसी के सेक्रेटरी रविंदर तलवार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत की।